गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 9:00, टेम्परेचर हो रहा है 24 डिग्री। आज मौसम ख़राब है और मेरठ में मैंने अपने सीसीटीवी में देखा तो मेरठ में धूप निकली हुई है और यहाँ पर देखो कैसा मौसम हो रहा है। कल जाना है गंगोत्री, देखते हैं कैसा माहौल रहेगा। और भाई यहाँ पर ये अपना भांजा भांजी सो रहे हैं, देखो कैसे घोड़े बेच के। भाई कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल इन्हें होश ही नहीं है। तो ये उठ चुकी है भाई भांजी और सबसे पहले उठते ही इसको मम्मी चाहिए। मुंह देखो इसका कैसा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों आज क्या बना रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, बहनर तो इसकी क्या लगी, बहन और नंद, नंद भाभी, नंद भाभी क्या कर रहे हैं आज, ब्रेड के पकोड़े खेल रहे हैं, हैं? खेल रहे हैं सुबह सुबह। नहीं इससे क्या बना रहे हो, सैंडविच बना रहे हैं। अरे सैंडविच से अच्छा ब्रेड पकोड़े बना देते, चलो फ्राइड नहीं खाना, तो फिर ब्रेड चिल्ले बना देना। अरे वो फ्राइड हो जाएगा, इडली भी बनाएंगे। नहीं ओट्स खाओगे तो क्या करने की प्लानिंग है आज तुम्हारी। नगर निगम की गाड़ी भी आ गई है। गैस पाइप में कुछ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, पानी पीना है इसको। ये तो चढ़ गई थी ना भाई, ये बिल्ली यहाँ से नहीं जा रही है, 3-4 दिन हो गए हैं। और ये देखो मेरी भांजी तो इसको देख के खेल ही रही है। कौन है तू, कहाँ से आई है, हैं? कोई छोड़ गया तो यहाँ कैसे छोड़ गया ऊपर घर पे। अच्छा मम्मी कह रही है फ्लैट वाले भी स्कूटी पर आकर कुछ भी कर जाए यहाँ। यार ये गलत बात है, पहले तो लोग पालते हैं इनको फिर छोड़ देते हैं, अब ये घर ढूंढ रही है, हमारे घर में घुस रही है बार बार और पोटी भी कर रही है। हमने हर जगह छोड़ दी भाई ये आसपास, लेकिन यहीं आ जाती है बार बार। चिड़िया को ओ भाई, चिड़िया बैठ गई थी यहाँ तो उसको भगा दिया इसने, ये तो चिड़िया को मार देगी अगर चिड़िया हाथ मांगी। और ये बिल्ली को, चूहे को भी खा जाएगी, खाती है ना चिड़िया, अगर चूहा दिख गया ना भाई इसको चूहे को खा जाएगी, चिड़िया विड़िया को बैठने नहीं देगी। बहुत सारी चीजें होती है बिल्ली के साथ। पता नहीं पार्क में, मैं तो नहीं जाऊंगा। देखो पता नहीं कितना दिमाग लगाती है ये, कहाँ कहाँ जाती है ये, क्या गेट के नीचे से निकल के चली जाती है ये। ये गेट के नीचे से नहीं है, गेट के ऊपर से जाती है, दीवार कूद के जाती है ये। दोस्तों अभी ससधार रोड पे हूँ, अभी एक दुकान पे आए थे और हम चेयर खरीदने आए थे साइट पे, अब ज़्यादा चेयर की ज़रूरत है, काफ़ी लोग खड़े रहते हैं तो देखते हैं कौन सी चेयर अच्छी है। सो मिलो भाई सिवा से, हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, ऐसे करके ऐसे करके हाय। क्या शैतानी बहुत कर रहा है ना, पिटाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी, शैतानी कर रहा है ना। क्या कर रहा था गाड़ी के ऊपर, क्या चला रहा था, पत्थर? ठीक है आप बिल्कुल पकड़ लिया लास्ट में। ये कितना है, 41 है ना। तो चेयर लेके पहुंच गए थे साइट पे और एक नई साइट और यहाँ पे नया प्लॉट तोड़ लिया है ईशान भाई ने, तो फिर ये वाला इसकी भी एक बाउंड्री करवा रहे थे और जल्दी इसको बनाएंगे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग। तो हमारे पड़ोस में जिन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने डेड वॉल पे ही विंडो खोल रखी है, सारी बंद हो जाएंगी। सो इस तरह का आप कभी भी कंस्ट्रक्शन कराएं, इस तरह से डेड वॉल ना खोलें, वरना बाद में जब पड़ोसी बनाते तो सब बंद हो जाती है। हालांकि जिसका ये प्लॉट था, जिससे हमने प्लॉट लिया, उसने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, वरना ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं इस पर। चलो अब चलते हैं कहीं मार्केट में। सो दोस्तों आज आए हैं देसी चूल्हा और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है, देखो मैं बताता हूँ क्या ऑर्डर किया है। ये भाई बहुत पुराना ऑथेंटिक पहाड़ी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे थाली ऑर्डर की है, पहाड़ी ट्रेडिशनल वेज मील। इसमें दो सब्जी मिलेंगी, पहाड़ी सब्जी मिलेंगी दोनों, दाल भी पहाड़ी गहत की और राजमा पहाड़ों का। दो तरह की रोटी होंगी जिसमें की मंडवे की रोटी भी होगी, लाल चावल होंगे पहाड़ के, बाकी जब आएगा तो बताता हूँ। सो ये आ गई भाई पहाड़ी थाली। सो ये है भाई झोली, ये कौन सी चटनी है, ये भांग की चटनी है। अच्छा ये भांग की, ये वाली है ना। सो ये मंडवे की रोटी है। तो मार्केट में घूम के पहुंच चुके हैं घर और खाना काफी
स्वादिष्ट था उस रेस्टोरेंट का देसी चूल्हा का। और भाई अब यहाँ पे दीवार हो चुकी है। तो दोस्तों कल गंगोत्री जाना है और टायर में से हवा निकल गई है, तो चलो चलते हैं दिखा के लाते हैं इसको। विजय भाई से मिल लेंगे एक बार। ठीक है विजय भाई, आप बताओ कैसे हो? आप तो चल चल के आगे आ गए है ना। चलो भाई हम यहाँ पे पंक्चर लगवा रहे थे, अंकल भी मिल गए हैं, आंटी भी मिल गई हैं। अंकल जी अभी शिफ्ट हुए हैं मेरठ की तरफ से, यहीं रहते हैं भाई सरदार रोड पे। तो आप घूमने जा रहे थे शाम की इवनिंग वॉक। विजय भाई है ना, मिलते हैं। ओके सेव लाते हैं तुम्हारे लिए अर्सल से। सो ठीक है दोस्तों, आज का दिन यही था, लेकिन दिन एंड करने से पहले मैं अपनी भांजी से मिलवा देता हूँ। ये देखो ये फिर सुबह चली जाएगी, और सुबह भाई हम जा रहे हैं गंगोत्री हर्सिल, और ये जाएगी मेरठ। ये पता है क्या शुरू से क्या बोल रही है कि मैं 5 दिन रुकूंगी, और अब 2 दिन तो हो गए, अब कह रही 3 दिन और रुकूंगी। पर इसको कल सुबह जाना ही जाना है, क्योंकि कल का तो स्कूल छुट्टी, आज का छुट्टी कर ली इसने स्कूल, कल का भी छुट्टी करेगी और फिर परसों जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो आई विल मिस माई भांजी सो मच। और भाई अच्छा लगा ये मैं देहरादून आई बहुत दिनों बाद। अगली बार कब आएगी? अगली बार बर्थडे पे आ जाऊंगी। कैरी बर्थडे पे आ जाऊंगी, इस बार इसके भाई का बर्थडे था तो ये आए थे, अगली बार इसका बर्थडे होगा। कब है तेरा बर्थडे? सर्दियों में, इसको नहीं पता कब है, कौन से मंथ में, बस सर्दियों में है। सर्दियाँ तो बहुत लंबी होती हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने की तो सर्दी चलती है, 3 महीने की बारिश चली जुलाई अगस्त सितंबर। सो ठीक है अवंतिका, सबको गुड नाइट बोल दो, और बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं कल, बोल दो गुड नाइट। भाई इसने समराइज कर दिया सारे सेंटेंस को, गुड नाइट बस। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं कल मॉर्निंग में। कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही व्लॉग में यहाँ से लेके गंगोत्री और वहाँ पे नाइट स्टे भी सब दिखा दो भाई, क्योंकि ताकि आप ज़्यादा लंबे ब्लॉग भी ना बने और बोरिंग भी ना हो, एक ही दिन में एक एक ट्रिप चलती रहे। चलो दोस्तों आज कुछ कमेंट्स के रिप्लाई देते हैं। तो निखिल जी पूछ रहे हैं भैया वीडियो सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो मैं बता दूं भाई मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, पेड वर्जन है इसके, शायद 5-6 हज़ार रुपये साल के जाते हैं। सो भाई मेरे को ना मेरे को इंश्योरेंस में मेरी कार रिजेक्ट हो गई थी, गैराज वालों ने मतलब पॉलिसी बजाने रिजेक्ट कर दिया था। तो काफ़ी लोग ने ब्लॉग देखा और वो हेल्प के लिए सामने आए कि सुभाष भाई, ये अमित वर्मा जी बोल रहे हैं, मेरा एक दोस्त AIG में है, टाटा AIG इंश्योरेंस में देहरादून, कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। थैंक यू अमित जी ये कमेंट करने के लिए। और करण भाई ने तो पूरे भाई पूरी हेल्प कर दी, काफ़ी उन्होंने मैसेज किए, तो करण भाई को भी थैंक यू इस बारे में। प्रत्यक्ष पाल जी बोल रहे हैं कि भाई ये खाली प्लॉट में आप टीम डलवा के एक रूम बना रहे हो, क्या ये सेफ रहेगा? भाई यहाँ पे हम रूम नहीं बना रहे, बस टीम डलवा रहे हैं और फर्श करवा रहे हैं। हालांकि वो वाला प्लॉट हमने लॉक कर दिया है, अब हम उसको छेड़ेंगे नहीं, बस उसमें इतना ही काम था, अब नया प्लॉट एक लिया है तो उसमें अब काम करवा रहे हैं, उसमें शायद हम बिल्डिंग बनवाएंगे। आशीष भटनागर भाई कह रहे हैं कि मारुति शोरूम से इंश्योरेंस लेकर ऑथेंटिक मारुति वर्कशॉप पर ही दिखाओ, या बाहर ये बाहर वाले गैराज शॉप इज नॉट बेस्ट, दे आर नॉट फुली ट्रेंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष भटनागर भाई, मैं खुद नहीं चाहता कि बाहर में किसी के मुंह लगूं, कहीं गैराज वैराज पे जाऊं। जिस कंपनी से कार खरीद रहे हैं उन्हीं से इंश्योरेंस ले लो, तो बहुत जल्दी सुनवाई होती है, बहुत इजिली इंश्योरेंस में रिपेयर कर देते हैं वो लोग, और बाहर से बहुत दिक्कत आती है। इस दौरान ये मालूम बात चली है, मैं आपको भी बता देता हूँ, डिजिट का और एक एको का इंश्योरेंस आता है, और ICICI का, ये 3 इंश्योरेंस सुपर है। मुझे करण भाई ने भी सजेस्ट किया ICICI का सुपर है इंश्योरेंस, तो या तो डिजिट का लेना, या एको का लेना, या फिर ICICI का लेना, ये 3 इंश्योरेंस ही लेना, इसके अलावा कभी भी कोई और इंश्योरेंस मत लेना अपनी कार के लिए। और भाई डेविड डोमिंगो जी बोल रहे हैं कि सुभाष भाई आपकी कार की ना टायर रोड खराब हो गई है, उसको ठीक कराओ। लेकिन मैंने रिप्लाई कर दिया भाई मेरी कार में टायर रोड वगैरह का प्रॉब्लम नहीं था, मेरी कार में प्रॉब्लम था नए पुराने टायर्स का, पुराने और घिसे हुए टायर का, 52,000 चल गई थी, तो पुराने और घिसे हुए टायर हो गए थे, तो अब मैंने वो चेंज करवा लिया, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चल रही है कार। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं कल मॉर्निंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।